नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस की वर्कशीट है ये, वर्कशीट नंबर 7, 18 तारीख की वर्कशीट है। असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7, ध्यान दीजिएगा, असेसमेंट वर्कशीट 18 तारीख को। काफी सारी वर्कशीट आई हुई है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके 10th क्लास के सभी असेसमेंट वर्कशीट प्लस वर्कशीट को देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी अवेलेबल हो जाएंगे, अभी सारी वर्कशीट्स ऊपर ही चैनल पे है, टॉप पे है, आप देख लीजिएगा। सोशल साइंस क्लास 10th की वर्कशीट इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हो चुकी है। 10 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का एक नंबर है, एमसीक्यू टाइप की है, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन पे आपको सर्कल करना है। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, बाय व्हाट नेम इज झूम फार्मिंग, झूम फार्मिंग इज नोन एज इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में झूम फार्मिंग को किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं बेवार, ठीक है, ए ऑप्शन होगा इसका। नाउ विच क्रॉप इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर, फूड और फॉडर दोनों के रूप में कौन सी क्रॉप यूज होती है? अरहर, राइस, मेज या नन ऑफ द अबव। तो मेज होती है फूड और फॉडर दोनों के रूप में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड टू डिफेंस, डिफेंस से रिलेटेड जो लॉ बनता है वो कौन सी गवर्नमेंट बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ध्यान दीजिएगा डिफेंस है ये, स्टेट गवर्नमेंट एंड नन ऑफ दीज। तो इसका होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। थर्ड का सी, विच इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, वेजिटेरियन डाइट में, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं है, प्रोटीन का रिच सोर्स क्या है? राइस है, पल्सिस है, बाजरा है या वीट है? ऑप्शन बी होगा पल्सिस। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जैद, जैद क्रॉप का कौन सा एग्जाम्पल है? वाटरमेलन, वीट, बार्ले या नन ऑफ दीज। तो पांचवे का ए है, वाटरमेलन जो है जैद क्रॉप का एग्जाम्पल है, ठीक है। व्हेन वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट इनेक्टेड, ठीक है, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट है वो कब इनेक्टेड हुई थी? 56 में, 1957 में, 1960 में या 1965 में? तो ऑप्शन है 1956 में। क्वेश्चन 7 to 10, ये आपके सामने दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन है, एक रीजन है, तो दोनों देखना है। चार ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। ए ऑप्शन जब होगा जब दोनों ही ट्रू होंगे, ए और आर, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ए की। बी ऑप्शन जब होगा जब दोनों ट्रू होंगे, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सी ऑप्शन जब होगा जब ए करेक्ट होगा और आर इनकरेक्ट होगा, करेक्ट इनकरेक्ट। और डी ऑप्शन जब होगा जब आर इनकरेक्ट होगा, ए इनकरेक्ट होगा और आर करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है हमारे सामने 7 से लेकर 10 क्वेश्चन के लिए। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, हाँ फेडरल कंट्री है। देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इंडिया, इंडिया में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है ना, तो पावर डिवाइड की गई है ना, तो ये इसी के दोनों ही ट्रू हैं और आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए होगा, ए पे सर्कल कर लीजिए। 8वां क्वेश्चन क्या है, देर इज डिसेंट्रलाइजेशन पावर ऑफ इंडिया, इंडिया का पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, हाँ जी है। डिसेंट्रलाइजेशन वॉज स्ट्रेंथन बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ था, हाँ ये हुआ था, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, इसके अंदर ये नहीं आता है, तो ऑप्शन बी होगा इसका। नाउ 9th, असर्शन, टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, टी जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है, ये ठीक है। टी इज मेनली प्रोड्यूस आसाम, आसाम में होता है, ठीक है, और आसाम में ही प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो ए ऑप्शन होगा 9th का। 10th है, राइस इज खरीफ क्रॉप, हाँ खरीफ की ही क्रॉप है ये। मोर वाटर रिसोर्स इज रिक्वायर्ड, देखिए राइस को उगाने के लिए ज्यादा वाटर चाहिए होता है, ठीक है, तो और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि ज्यादा वाटर जो है खरीफ क्रॉप में ही चाहिए होता है, तो ऑप्शन इसका ए ही होगा। तो हम देख लेते हैं फिर से, 7th का ए ऑप्शन है, 8th का बी ऑप्शन है, 9th का ए है और 10th का ए ऑप्शन है। तो आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी, तो बाकी वर्कशीट भी चैनल पे मिल जाएंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। एंड फर्दर अपडेट्स के लिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।
एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत कम बच्चों को अभी भी नॉलेज है कि असेसमेंट वर्कशीट आ चुकी है। सो टेक केयर बच्चों, जल्दी से देखिए इसको।